मैं डॉक्टर आर पी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघो आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। सत्यानासी, जिसका वैज्ञानिक नाम एग्रीमोन मैक्सिकाना है, यह एक वार्षिक औषधि पौधा है जो लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। आपने अक्सर इसे पार्क, सड़क के किनारे आदि पर देखा होगा। इस जड़ी बूटी में एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसके अलावा इसके बीज में रेचक गुण होते हैं जो कब्ज का इलाज करने के लिए उपयोगी है। सत्यानासी आपके लीवर के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसे कई बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग मलेरिया, बुखार, अल्सर और त्वचा की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी जड़ मूत्र से जुड़ी और पुराने त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए उपयोगी है। इसके पौधे से तैयार रस पीलिया और त्वचा की समस्याओं के लिए बहुत ही हितकर है। इसके अलावा यह जड़ी बूटी मोतियाबिंद, आँखों में लालिमा और खुजली के इलाज के लिए भी उपयोगी है। यह जड़ी बूटी ब्रोंकाइल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसके लिए इस पौधे की जड़ को अच्छी तरह धोएं, इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखाने के बाद इसकी जड़ के पाउडर को तैयार करें। दिन में दो बार गर्म दूध या पानी के साथ आधे से एक ग्राम पाउडर का सेवन करें। यह कफ को निकालने में मदद करता है। आप चीनी के साथ इसके पीले दूध की 4 से 5 बूंद मिक्स करके सेवन कर सकते हैं। सत्यानासी पौधा आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए आपको सबसे पहले घी की 3 बूंदों को 1 बूंद दूध के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को आँखों में आईलाइनर के रूप में लगाएं। यह उपाय आँखों के सूखेपन, ग्लोकोमा और अंधेपन को ठीक करने में मदद करता है। दूसरा तरीका यह है कि आप 1 ग्राम सत्यानासी अर्क और 50 ग्राम गुलाब जल को अच्छे से मिक्स करें। दिन में 2 बार इस घोल की 2 बूंदें आँखों में डालें। यह आँखों की लाली, दृष्टि की समस्या और अन्य आँखों से जुड़े विकार को ठीक करता है। आप आँखों में भी इसकी पत्तियों का रस डाल सकते हैं। सत्यानासी खांसी से छुटकारा दिलाता है। आप सत्यानासी के पौधे का इस्तेमाल खांसी और अस्थमा जैसी सांस की बीमारियों के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए सत्यानासी के पौधे से 500 मिलीलीटर रस तैयार करें और उबालें। जब यह रस गाढ़ा हो जाए तो इसमें 60 ग्राम गुड़ और 20 ग्राम राल मिक्स करें। अब सभी सामग्रियों को मिलाएं और 250 मिलीग्राम की गोलियां तैयार करें। दिन में 3 बार पानी के साथ 1-1 टैबलेट का सेवन करें। यह अस्थमा में राहत प्रदान करने में मदद करती है। आप इसके अलावा इसकी पत्तियों का काढ़ा तैयार करें और इसमें बराबर मात्रा में बेंजोइक एसिड मिलाएं। 1-1 ग्राम की गोलियां तैयार करें। दिन में 3 बार इसका उपयोग करें। सत्यानासी का प्रयोग पीलिया को दूर करने के लिए भी की जाती है। आप सत्यानासी के पौधे का इस्तेमाल पीलिया दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 8 से 10 बूंदे सत्यानासी तेल और गिलोय के रस को लें। अब इन दोनों सामग्रियों को अच्छे से मिलाएं। यह उपाय पीलिया में बहुत लाभकारी माना जाता है। सत्यानासी का लाभ त्वचा रोगों के लिए भी लाभकारी है। अगर आप किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से परेशान रहते हों तो आप इस जड़ी बूटी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप सत्यानासी का उपयोग त्वचा की समस्याएं जुड़े जैसे फोड़े, मुहासे, एक्जिमा के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको शरीर पर सत्यानासी के तेल को लगाना होगा। इसके साथ ही आप दिन में 2 बार 250 मिलीलीटर दूध और 5 से 10 मिलीलीटर पत्तियों के रस को मिक्स करके अपनी त्वचा पर लगाएं। आप इससे प्राप्त दूध को पुराने, फोड़े और खुजली वाली जगह पर लगा सकते हैं। सत्यानासी का प्रयोग सुजाक की समस्या के लिए भी करते हैं। अगर आप गोनोरिया की समस्या से पीड़ित हैं तो आपके लिए यह जड़ी बूटी बहुत ही लाभकारी है। यह एक संक्रमक होता है जो यौन क्रियाकलाप के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस जड़ी बूटी के उपयोग से आपको सुजाक से काफ़ी राहत मिल सकती है। इसके लिए 2 से 5 मिलीलीटर दूध के साथ मक्खन मिलाएं। दिन में 2 बार रोगी को सेवन कराएं। इसके अलावा आप 5 मिलीलीटर रस को 10 ग्राम घी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं। सत्यानासी का सेवन जलोदर से भी छुटकारा दिलाता है। पेट में खराब पानी जमा होने के कारण जलोदर की समस्या होती है। जलोदर कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि अधिक घी खाना, उल्टी करने के बाद ठंडा पानी पीना, लीवर की धमनी में अधिक दबाव बढ़ना। इस जड़ी बूटी के उपयोग से आपको जलोदर से राहत मिल सकती है, क्योंकि इसके कारण अधिक पेशाब आता है और पेट में जमा पानी कम होने लगता है।
इसके लिए आपको 5 से 10 ग्राम अर्क सत्यनाशी का निकाल लेना है और दिन में 4 से 5 बार इसका सेवन करना है। इसके अलावा आप 4 से 5 बूंदे सत्यनाशी तेल को 2 से 3 ग्राम नमक मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। मूत्र विकारों में भी सत्यनाशी बहुत लाभकारी है। मूत्र पथ में जलन होने पर सत्यनाशी का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 मिलीलीटर पानी में 20 ग्राम पौधे को डालना है। अब इसे गर्म गर्म कर इसका काढ़ा बनाना है और उसे ठंडा कर लेना है। दिन में इसे 3 बार प्रयोग करना है। सत्यनाशी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। यह गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान लाभकारी नहीं माना जाता है और इसके अलावा यह बच्चों के लिए भी उपयुक्त नहीं है। यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह अति शुद्धिकरण और निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। कोलाइटिस यानी आंतों में सूजन, दस्त और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याओं में इसका सेवन करना लाभकारी नहीं होता। इसके बीजों से तैयार तेल बहुत जहरीला होता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।